हेलो फ्रेंड्स, सनातन धर्म में देवी देवताओं के मूर्ति पूजन को विशेष महत्व दिया गया है। इसलिए इस धर्म को मानने वाले भगवान में आस्था रखने वालों के घर में देवी देवताओं की मूर्तियां जरूर देखी होंगी। लेकिन क्या आपको पता है, भगवान की हर मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत मूर्ति का पूजन करने से इसके गलत प्रभाव भी पड़ते हैं। दरअसल ज्योतिष शास्त्रों की माने तो कई सारी ऐसी मूर्तियां भी होती हैं जिनका दर्शन और पूजा करना अशुभ इफेक्ट डालता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किस मूर्ति का पूजन करना अशुभ रिजल्ट देता है। आपको पता है, किसी भी मूर्ति की पीठ की तरफ से दर्शन करना अशुभ माना जाता है। खासकर भगवान गणेश की मूर्ति की पीठ का दर्शन अशुभकारी माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में दृढ़ता आती है। वहीं घर के पूजा स्थल में एक ही भगवान की दो मूर्तियां रखना भी शुभ नहीं माना जाता, खास तौर पर अगर दोनों ही मूर्तियां एक दूसरे के आमने सामने हों, तो ऐसा माना जाता है कि इससे घर में वाद विवाद और लड़ाई जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो वहीं अगर कोई मूर्ति किसी वजह से खंडित हो जाती है तो ऐसी मूर्ति का पूजन करना शुभ फल नहीं देता। इसके अलावा भगवान की ऐसी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए जिसमें वह रौद्र रूप धारण किए हों। उसे घर में रखकर उसकी पूजा करने से नेगेटिव ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए भगवान की सौम्य रूप और आशीर्वाद की मुद्रा वाली मूर्ति का ही पूजन और दर्शन करना चाहिए। तो ऐसी कुछ और मजेदार बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें पंजाब केसरी का यूट्यूब चैनल कुंडली टीवी। बाय बाय फ्रेंड्स।